हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 23 तारीख है और आप अभी देखेंगे तो 13:54 हुआ है। और अभी जो शेयर लेके आया था मैं, वो था मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, और इसमें गिरावट देखने को आ रही है। कल ही इसमें गिरावट का सिग्नल बन चुका था और कल ही था, श्योर था कि ये गिरेगा, और अभी यहाँ से ये 6100 को भी टच करने का दम रखता है। तो इसमें गिरावट है, इसमें अभी कोई भी बाइंग करने की पोजिशन की जरूरत नहीं है। अगर पोजिशन है तो होल्ड कीजिए, अभी ये 6100 तक जा सकता है। इसने अच्छे खासे 6-7 हज़ार के नेकलाइन को तोड़ा है, और आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज 6800 का था, तो उसको तोड़ते हुए वापस आज ये 6679 पे दिखा रहा है आपको। आज का लो देखेंगे तो 6666 बना है, 4×6, और हाई 6857 का है। तो इसमें जो सिग्नल बना है, मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सिग्नल क्या बना है। अगर आप सिग्नल देखेंगे, इसका वन डे का चार्ट देखेंगे, तो कल ही के देखिए इनडिसिजिव डिसीजन का ये बना हुआ है, जो ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ के बाद ये क्लियर था कि ये फॉल करेगा, और इसके बाद फॉल किया, तो इसके बाद और एक फॉल करने के लिए तैयार है। तो आप देखेंगे इसमें, जब अगर डिसीजन की बात करें, तो इसमें 67% डिसीजन है बाइंग का है। ऐसा नहीं है कि बाइंग सिग्नल खराब है। लॉन्ग पोजीशन के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो बेस्ट बाइंग ऑप्शन है ये, आपको 8.5-9 हज़ार दिखाएगा ही दिखाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आज जब ये गिरा है, तो आप इसके लिए अगर होल्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा। और वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम के साथ गिरा है, 5,22,797 शेयर। मतलब ये अब इतने बड़े वॉल्यूम में आप समझ रहे हैं, अगर कोई बिक रहा है ये, तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ गिर रहा है। वॉल्यूम कम नहीं है, अगर इसमें 50-60 शेयर, मतलब समझिए 1,000-10,000 शेयर होता तो मैं मानता। ये देखिए वॉल्यूम के साथ अगर इस पर गिर रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम है, और ये कंटिन्यूस वॉल्यूम के साथ गिर रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और अगर मैं आपको सिग्नल भी दिखाऊं, तो सिग्नल में तो बाइंग आ रही है। अगर मैं इसको डेली बेसिस पे दिखाऊं, तो सिग्नल पे बाइंग जनरेशन तो हो रहा है। लेकिन आप ये एक बार देखिए इसको, नहीं नहीं यहाँ पे थोड़ा सिग्नल डाउन, ये भी डाउन ही बता रहा है। तो आपको अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए, अभी होल्ड कीजिए। देखिए आप खुद ही सिग्नल देखिए जो जनरेट क्या हो रहा है, तो ये होल्ड ही बता रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, पोजिशनल होल्डिंग अच्छी है। बट अगर आपको इंट्राडे करना है या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो कल के लिए आप इसको डाउन ही आपको मिलने वाला है। तो सेल करके इसको 6100 का टारगेट लेके आप चल सकते हैं। 6100 नहीं तो 6500, तो एक बार पहले तो 6500 आएगा, फिर वहाँ से 6100 पे जाएगा, 6300 फिर 6100। इसका जो मैं रीजन बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि अनबेसिकली बता रहा हूँ मैं आपको, आप इसके चार्ट को जा करके देखेंगे तो आप इसके चार्ट को एक बार देखिए जा करके, इसके वीकली चार्ट को देखिए। वीकली चार्ट का डेमा क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे जो वीकली डेमा है 6145 बता रहा है। आप खुद देखेंगे यहाँ पे, जब इस पे जाएंगे तो 6145 जा रहा है, जो कि 200 का डेमा है। तो ये चूंकि आपने सारे प्रीवियस वीक के डेमा को तोड़ा है, जो कि आपके 9 दिन का डेमा 675 है, तो तोड़ चुका है, और 100 के डेमा को भी तोड़ चुका है, जो कि क्रुशियल माना जाता है। अगर 100 के डेमा को तोड़ता है 7-600 को, तो और नीचे जाएगा, वो भी तोड़ा है, और 9 डेज का भी तोड़ा हुआ है। तो मैं आपको इसमें वापस 6145 तक जाने का चांसेस ये रखता है। और चूंकि मैंने आपको वन डे चार्ट में आपको दिखाया कि ये बेरिस सिग्नल ऑलरेडी जनरेट कर चुका है, यहाँ पे ये बेरिस सिग्नल जनरेट किया है, तो यहाँ से और नीचे जाने की संभावना इसमें बनती है। तो मारुति में आपको 6100 का लेवल देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इसी के चार्ट को अगर ट्रेडिंग पर्पज से बोलूँ, आपको ट्रेडिंग पर्पज से दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप यहाँ पर देखिएगा कोई भी रेड का जो है 6829, अगर इसको क्रॉस करना है तो पहले ये 7036 को क्रॉस करने दीजिए इसको। अगर 7036 क्रॉस कर जाता है तो आप फिर इसमें बाइंग सिग्नल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो अगर नीचे की ओर आप इसको होल्ड कर सकते हैं नीचे जाने के लिए, लेकिन अगर बाय करना है तो आप 7036 जो है ना, बेस्ट बाइंग ऑप्शन है। इस लेवल से आप इसको बाय की ओर जा सकते हैं। तो अभी यहाँ बाइंग सिग्नल नहीं, आप देखिएगा अच्छा खासा गैप बना रहा है। ये दोनों अभी यहाँ पर तो ज्वाइंट थे, बट यहाँ पे इसने गैप फॉर्मेशन कर लिया है। तो ये जो गैप फॉर्मेशन किया, मतलब की है और दूरी है, और यहाँ पे भी CCI जो मैं लगा के रखा हूँ, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा डाउन की ओर है। मैं आपको दूसरा भी और भी एक लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्टॉकिस RSI क्या बोलता है, ये भी जो सिग्नल जनरेट कर रहा है, ये भी डाउनवर्ड ही सिग्नल जनरेट कर रहा है। ये देखिए ब्लू लाइन को देखिए, तो कहीं पर भी इसमें प्लस पॉइंट तो अभी नहीं बन रहा है। तो एक बार 7036 जो मैंने आपको लाइन दिया, जो आपको बताया, भले लॉस में हो चाहे कुछ भी, आपको अपर साइड मिले, लेकिन 7037 में एक बार ये क्रॉस करने दीजिए, तो शायद आपके लिए बेस्ट बाइंग सिग्नल होगी। तो ये अभी
आप देखेंगे जस्ट अभी टाइमिंग भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर टाइमिंग भी दे रहा होगा, 13:59 हुआ, लाइव चल रहा है ये। तो मैं सोचा इसमें गिरावट आ रही है तो कोई आप लोग फंस नहीं जाए, इसलिए मैं इसको सोचा एक बार आपको बता दूँ। बेस्ट और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अच्छी है, शॉर्ट टर्म के लिए इसको थोड़ा पोजिशन को लूज करके चलें तो अच्छा रहेगा। 6100 का टारगेट दिख सकता है, अगर कॉल पुट के आपको खेलना तो 6700 का पुट लेकर के आप इसमें देख सकते हैं। अक्टूबर का भी लेना हो 6700 का पुट तो आप लेकर के इसमें बैठ सकते हैं। बस धन्यवाद। नीचे दिए हुए ये सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, लेना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके आप करें और पेपर ट्रेडिंग करें इसमें। धन्यवाद।